नमस्कार, बिग न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। तजिंदरपाल सिंह बग्गा के खिलाफ मोहाली कोर्ट ने नया गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मोहाली कोर्ट ने पंजाब पुलिस से तजिंदरपाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश करने को कहा है। दरअसल शुक्रवार को बीजेपी नेता तेजिंदरपाल बग्गा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए थे, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद हरियाणा में पंजाब पुलिस की गाड़ी को रोक लिया गया। वहीं दिल्ली पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर अपनी एक टीम हरियाणा रवाना कर दी। दिल्ली पुलिस तेजिंदर बग्गा को हरियाणा से वापस लेकर दिल्ली आ गई थी और पंजाब पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा था। दिल्ली में बीजेपी नेता तेजिंदरपाल बग्गा के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई के विरोध में दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी नेताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सीएम केजरीवाल पर सत्ता का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल पर सिखों के अपमान का भी आरोप लगाया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं को रोका और कुछ नेताओं को हिरासत में भी लिया। इसके बाद से ही अब बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमले कर रही है। अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने 40 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के मामले में पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा से जुड़े तीन परिसरों पर छापेमारी की है। सीबीआई के अधिकारियों ने शनिवार को ये जानकारी दी। सीबीआई के मुताबिक अमरगढ़ विधायक के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के मामले के सिलसिले में संगरूर जिले के मलेर कोटला इलाके में तलाशी ली जा रही है, जहां उनका पैतृक घर है। उन्होंने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा गया है। मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई के बाद फिलहाल सर्वे का काम जारी रहेगा। आपको बता दें कि वाराणसी सिविल कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को शाम 4 बजे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे का काम शुरू किया गया था। सर्वे के बाद दोनों पक्ष बाहर निकले तो एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। पंजाब विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पार्टी के विस्तार की है। आम आदमी पार्टी ने अपने विस्तार के लिए जम्मू में अपने पदाधिकारियों का ऐलान किया है। आपने हरजोत सिंह बैस को जम्मू का चुनाव प्रभारी बनाया है। फिलहाल हरजोत सिंह बैस पंजाब सरकार में मंत्री हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के भतीजे और विधायक रोहित पवार शनिवार को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचकर भगवान रामलला का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के बाद एनसीपी विधायक ने कहा कि चाहे बीजेपी हो या फिर राज ठाकरे की पार्टी हो, उनके भाषण में सिर्फ धर्म की बात हो रही है। मुझे लगता है कि अगर धर्म ही सबसे महत्वपूर्ण विषय है तो उसका राजकरण किसी को भी नहीं करना चाहिए। झारखंड में जमशेदपुर के टाटा स्टील प्लांट के भीतर जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद पूरे इलाके में भगदड़ मच गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। प्लांट में आग लगने और गैस रिसाव होने के बाद कर्मचारियों को तत्काल सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग इतनी तेज थी कि बुझाने के लिए और आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। इस घटना में 2 कर्मचारी घायल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को 2 नए जज मिल गए हैं। नामों की सिफारिश के 48 घंटे में केंद्र ने नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया और गुजरात हाईकोर्ट के जज जमशेद बी पारदीवाला को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने इनके नामों पर मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि 5 मई को सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने 2 नए जजों की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी। सुधांशु धूलिया और जमशेद बी पारदीवाला को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश पर सीजे एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने यह फैसला लिया था। कोयला घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिया बनर्जी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 10,000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही 20 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया है। ईडी के अनुसार रुजिरा बनर्जी से पूछताछ के लिए ईडी ने कई बार नोटिस भेजा, जिसका ना रुजिरा ने जवाब दिया और ना ही ईडी के सामने रुजिरा पेश हुई। इसके बाद ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दायर कर रुजिरा के खिलाफ वारंट जारी करने की मांग की थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव हारेंगे और इसीलिए आइए और हैदराबाद में अपना भाग्य आजमाइए। दरअसल ओवैसी की ये प्रतिक्रिया राहुल गांधी के उस बयान के जवाब में आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो टीआरएस बीजेपी और ओवैसी को चुनौती देने के लिए तेलंगाना आएंगे। बाकी की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।